पूरे देश में आज से 18 से 44 उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लेकिन बंगाल में क्या है स्थिति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सांसद और डॉक्टर शांतनु सेन। क्या है इस समय स्थिति बंगाल में, क्या वैक्सीनेशन शुरू हो गया 18 से 44 का? देखिए, हम लोगों का ये शक था जब 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके डिक्लेयर किया कि अभी स्टेट को वैक्सीन खरीदना नहीं पड़ेगा, अभी सबके लिए वैक्सीन सेंटर से भेजा जाएगा, तो हम लोगों का दिल में ये शक था। जब शुरू से इतना क्राइसिस वैक्सीन का है, जब सेंट्रल अपना कोटा नहीं भेज पा रहा है, जब स्टेट जो अपना पैसा से खरीद रहा है एडवांस देने के बाद उसका भी कोटा टाइमली नहीं आ रहा है, तो अचानक ये 14 दिन में अलादीन का दीप कैसे जलाएंगे जो 14 दिन के अंदर इतना वैक्सीन आ जाएगा कि सब स्टेट में टाइमली वैक्सीन पहुँच जाए। और आज 21 जून को ये हमारा जो शक था वो सही निकला। और अभी जो स्थिति है इसके चलते, देखिए वैक्सीन एक ऐसा चीज़ है जो हम रिटेल शॉप से खरीद नहीं सकते हैं, और इसके बावजूद सबसे बड़ा दुख की बात है, अभी 2 दिन पहले नेशनल हेल्थ मिशन का एक रिपोर्ट निकला था जिसमें यह दिखाया गया था कि पश्चिम बंगाल पूरा देश में वो स्टेट है जिसमें वैक्सीनेशन रेट हाईएस्ट है, नियरली 89%, और पश्चिम बंगाल वो स्टेट है जहाँ पर वैक्सीनेशन वेस्टेज लिस्ट है। इसके बावजूद भी आप देखिएगा, आपको हम एक डाटा दिखाएंगे कि हमारा हर एक स्टेट का जो अलॉटमेंट है, बीजेपी रन जो स्टेट है, यूपी लीजिए, बिहार लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, गुजरात लीजिए, उसमें वैक्सीन का जो एलोकेशन है उसका मिनिमम परसेंटेज वो लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप बिहार अगर देखेंगे, बिहार में कोविशील्ड का एलोकेशन है 17,07,900, और उन्होंने एलोकेशन एलोकेटेड अमाउंट से लिया है सिर्फ जीरो, ओनली जीरो, नथिंग। आप गुजरात में देखेंगे तो 11 लाख एलोकेशन है, उसमें से उन्होंने लिया है सिर्फ 57,000। अब मध्य प्रदेश देखेंगे उसमें 13 लाख एलोकेशन है, उसमें वो लोग लिया है सिर्फ 6,000, जबकि बंगाल में जो एलोकेटेड वैक्सीन डोज है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है और वैक्सीनेशन रेट में पूरा देश में सबसे आगे है। इसके बावजूद भी वो लोग पॉलिटिक्स छोड़ के कुछ सोच नहीं सकता है बोल के बंगाल का एलोकेशन भी नहीं बढ़ा रहा है और बंगाल में टाइमली वैक्सीन भी नहीं दे पा रहा है। इसलिए पूरा बंगाल में जो वैक्सीनेशन पॉलिसी जो ये होने वाला था कि पूरा सबको मिलेगा अबव 18, वो रुक रुक के हो रहा है और आज का दिन ये रुक गया। जब ये रुका है तो बीजेपी की सरकार केंद्र में है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार राज्य में, आरोप लगते हैं कि आप लोग सही समय पर डिटेल्स नहीं देते, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर हम आपके आपका बारे में कुछ गलत बोलने के लिए सोचे, मेरा दिल में अगर ये है कि हर दिन हर साल हर समय मैडम मनेका का कोई नेगेटिव बात बोलना है तो निकालना बहुत आसान है। बात यह है कि ये बंगाल में पिछले चुनाव में बुरी तरह हारने का बाद उन्होंने ये अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए किसी भी बहाने बंगाल को दबाओ, ममता बनर्जी को रोक दो, बंगाल का आदमी को जो विपद है उसका सामने फेंक दो, ये उनका तरीका है सोचने का, इसी का नतीजा ये दिखाई दे रहा है। उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग हो रही है, बीजेपी के सांसदों ने ये मांग उठाई है, कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहला बात है ये तो बीजेपी का आपस में जो लड़ाई है, सांसद बोल रहा है कि हमको ये अलग से स्टेट चाहिए नहीं तो यूनियन टेरिटरी चाहिए, और बीजेपी का छोटा मुंडा लीडर बोल रहा है कि हमारा बात नहीं है, ये सरासर झूठ है। असली बीजेपी देश भाग करने में मस्त है, जिस तरीके से NRC CA करके उन्होंने ये सोचा था, अभी वो बंगाल में बुरी तरह हारने का बाद वो बंगाल को विभाजन करने में सोच रहा है। लेकिन ये अच्छी तरह जान लीजिए, जब तक बंगाल में 10 करोड़ आदमी जिंदा है और जिसका जब तक उनका हिफाजत में ममता बनर्जी है और हम सब है, हम लोग हमारा जिंदगी का शेष खून भी दे देंगे लेकिन बंगाल को विभाजन होने नहीं देंगे। बात विभाजन से, अब इस सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल की राजनीति उभर रही है हिंसा की तस्वीरों पर, आज हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि हिंसा की तस्वीरें जो आ रही हैं उस पर NHRC ही अब इन्वेस्टिगेशन करेगी, राज्य सरकार की अपील को दरकिनार कर दिया गया है। नहीं देखिए, अगर ये बीजेपी जो है और उनका जो स्पोक्स पर्सन है हमारा रिस्पेक्टेड गवर्नर, जो जिस तरीके से बीजेपी के लिए पूरा देश घूम रहा है, मिनिस्टर के घर जा रहा है, होम मिनिस्टर के पास एक दिन में 2 बार 3 बार जा रहा है, बात यह है कि पोस्ट पोल वायलेंस का इशू ये लोग जो उठा रहा है, जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उस टाइम ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इलेक्शन कमीशन का अंडर में था। जब से ममता बनर्जी 5 मई को उन्होंने शपथ ली, जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए, उसके बाद से ये हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट अप्रिशिएट करके बोला था
कि आफ्टर टेकिंग चार्ज चीफ मिनिस्टर मैडम जिस तरीके से वायलेंस रोकने के लिए स्टेप लिया है उसको उन्होंने भी अप्रिसिएट किया है। ये बीजेपी का फेक न्यूज़ है, ये जो जुमलाबाजी है, ये आदमी को भड़काने के लिए सब बात बोल रहे हैं। अभी अगर देखेंगे तो बंगाल पूरा देश में बहुत अच्छा जगह में है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बहुत अच्छा है। राज्य में आप ही की पुलिस है और आप ही की पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है, कभी बलात्कार के आरोप में, कभी बाकी सारे क्राइम के आरोप में, या फिर राजनीतिक हिंसा के आरोप में। उत्तर बंगाल अलीपुर द्वार के मामले भी हों या मिदनापुर के मामले हों, किसमें सच्चाई है? देखिए बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर यूपी जैसा नहीं है। बंगाल में अगर कोई केस भी होता है तो उसका जांच ठीक तरह से होता है। ये यूपी नहीं है कि यहाँ पर किसी लड़की का रेप हो गया और उसको पुलिस घेर के उसको जिंदा जला दिया, उसको दफन कर देंगे, उसके घर वालों को भी उनको देखने के लिए मौका नहीं मिलेंगे। ये बंगाल में ऐसा नहीं होता है कि विकास दुबे के जैसा कोई क्रिमिनल उसको एनकाउंटर का नाम में उसको मर्डर कर दिया जाएगा। बंगाल में अगर कोई भी कंप्लेन है, हम लोग बंगाल में शुरू से है, जब बाएं बाजू का सरकार चलता था तब एक FIR करने के लिए लेफ्ट लीडर का परमिशन लेना पड़ता था पुलिस को। अभी बंगाल का 10 करोड़ आदमी कभी भी चाहे तो पुलिस स्टेशन में जाके कोई भी कंप्लेन दाखिल कर सकता है और पुलिस इम्पार्शियली न्यूट्रली उनका जांच करता है, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी ने डेमोक्रेसी वापस लाया है। शांतनुदा, सीतलकुची मामले में आप ही पर आरोप लग रहे हैं कि आप वहाँ कर अधिकारियों को जानबूझकर CID के जरिए बुलाकर परेशान कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सीतलकुची में क्या हुआ हम लोगों ने देखा है ना, किस तरीके से सेंट्रल फोर्स आदमी को मार दिया है हमने देखा है, और ये भी हमने देखा है उसको बारे में विजिट करने का नाम में हमारा गवर्नर किस तरीके से एक बीजेपी का MP को हेलीकॉप्टर में ले जाके बीजेपी का जो कर्मी है, जो वर्कर है, उसका घर घर में विजिट किया। उस टाइम ने हमने ये सवाल किया था, अगर आपको इम्पार्शियली विजिट करना है तो उसका राजभवन से सीतलकुची जितना दूर है उससे कहीं गुना कम दूर है हमारा अपोलो। उस टाइम में हमारा जो कैंडिडेट था उदयन गुहो वो अपोलो में एडमिटेड था। राजभवन से अपोलो जाने में 5 मिनट टाइम लगता है। अगर वो सच्चा दिल से इम्पार्शियली विजिट करना चाहते थे तो सबको पहले तो उसको ये उदयन गुहो को विजिट करना चाहिए था। और मेरा आखिरी सवाल, आज योगा दिवस है, क्या बंगाल में योगा दिवस का पालन भी पूरे देश की तरह हो रहा है आज? बंगाल में ममता दीदी और हमारा सरकार वो दिखावा नहीं करता है, वो योगा दिवस में ट्रैक सूट पहन के योगा करके मीडिया का सामने फोटो शूट नहीं करता है, और कोई पीकॉक को खाना खिलाते हुए या कोई कैब में जाके ध्यान करते हुए फोटोशूट नहीं होता है। बंगाल में जो काम होता है सलवार होता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में बेलूर में एक योगा नेचुरोपैथी का कॉलेज बना रहा है, वो लगभग 50% बन चुका है। और यहाँ पर जो योगा नेचुरोपैथी काउंसिल है उसका अंदर उसका लीडरशिप में पूरा स्टेट में हर एक जगह में आज योगा दिवस मना जा रहा है। ये सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, हम लोग जो करता है 365 डेज करता है, फोटोशूट के लिए एक दिन के लिए नहीं करता है। जवाब और सवालों में नेताओं को फंसाना भले ही थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जवाब भी जारी रहेंगे और सवाल भी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, ABP News। ABP News आपको रखे आगे।